जो कि आपने सुना होगा हर एक जगह, आज के टाइम में गौ माता की और कन्या की इनकी सेवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सदनों बड़े बड़े मंदिर होते हैं, पुजारी होते हैं, लेकिन बहन बेटे की कदर इतनी भूल गए, उनकी पूजा करने का कोई फायदा नहीं है। इस भजन के माध्यम से बताया गया है आगे पूजा वही इंसान कर सका जिसका दिल में दया धर्म होना जरूरी है। उस कन्या के बारे में चर्चा करी कवि ने, सुनने के बोल होंगे जो अपने ये नवरात्र आते हैं, नौरता में नौ नौरता कराया करें और नौ मेला दिन फिर नौ कन्या जिमाया करें, कन्या जिमाया करें। सजनों कई भाई के करें नौरता भी नहीं करें, कन्या की कदर भी नहीं करें। एक ऐसा पापी कसाई था जिसने पता नहीं कितनी गौ हत्या कर रखी, कितना कन्या गर्भ में खत्म करा रखी। नौ नौरता करता है, नवमी के दिन पूरा घर में परिवार में घूम लिया, उसको छोटी कन्या नहीं मिली जिमाने खातर, क्योंकि उसने पाप रखे थे बहुत घने। दोनों मियां बीबी बतलाते हैं कि माता की कढ़ाई करनी जरूरी है और कन्या जिमाने जरूरी है। सदनों कन्या कहीं नहीं मिली क्योंकि पाप पे अन्याय था वो। एक उसका यार दोस्त जो कहने लगा, भाई देखिए अपना मोहल्ला के अंदर सरदार आ रहा है और उसके पास बहुत घनी कन्या है, तो उसके पास चला जा, वो तना कन्या दे देगा जिमाने खातर। सदनों दोनों मियां बीबी सुनने की बात, भाई ध्यान देना सभी भक्तों से आदर की मिलती है। दोनों मियां बीबी उस सरदार की घर की तरफ कदम देखते हैं और रास्ते में बात करते हैं, अगर देख सरदार कितना बावड़ा, हाज की टेम में इतनी कन्या पैदा करने की क्या जरूरत थी, चार सरदार ने जाके पूछांगे। सजनों जैसे ही सरदार की दिल हम पर अटैक किया, तो कोई दो साल की, कोई तीन साल की, कोई आठ साल की, कोई छह साल की, सजनों सरदार के आंगन में कन्या ही कन्या खेलने लाग रही। और वो जाकर नौकर लग गया, सरदार आज के टाइम में तो कितना बड़ा रह गया, इतनी कन्या पैदा करने की जरूरत थी, इतनी कन्या तो कितना ले आया, तेरी शादी ने कितने साल हो गया। नौकर लग गया, भाई मेरी तो शादी हो ही नहीं रही, मैं तो कुंवारा हूं शादी नहीं हो रही। बोले यार कमाल है, शादी नहीं हो रही और तेरे घर में 50 कन्या खेलने लग रही है। सदनों गौर की बात है, आंखों में पानी आओगा ध्यान से सुनोगा तो इवन आपको आशा ही होगी, आके शादी नहीं हो रही कन्या की ताई। सदना सरदार को गुस्सा आ गया, नुकल लगे ओ पापी अन्याई, इव सुन मेरी बात, ये कन्या कितने ले आए हूं, ये कोई कन्या मने रोड का किनारा पड़ी पाई से, कोई कन्या मने हॉस्पिटल के कचरे के डिब्बे में पड़ी पाई से, और कोई कन्या मने जोड़ा पड़ी पाई से, पापी मने नुकती करा की ये। सजना सरदार की आंखें में पानी आ गया, नोरा मेरी बात सुन, एक भजन के माध्यम से कैसी भी कवि ने कल्पना कर दी ये बता दिया, ये बता दिया बता। देवी पोजन का ढोंग करे बे तीन समझे पाप, डूबे मरो माँ बाप, और के बता दिया हो डूबे मरो माँ बाप। सजनों मन तो शर्म भी आओ से, जो इसी पापे कसाई है, जो माँ बाप बेटे हैं गर्भ के अंदर, पता नहीं कितना घोर काम कर रखा है, कैसे सुनने की बात होगी। देवी पूजन का ढोंग करे बे समझे पाप, डूबे मरो माँ बाप, हो डूबे मरो माँ बाप, उठे जी पूजन का ढोंग करे खेती न समझे पाप, डूबे मरो Thank you.
लंबे रकम बताया कि माँ की पूजा करता है, अरे पत्थर की पुरुष की पूजा करता है और दिन में इतना पाप नंबर एक में क्यों बताया। पत्थर की मूरत ने जो समझ रहा से माँ, पत्थर की मूरत ने जो समझ रहा से माँ, पर कन्या की खातिर भीतर में इज्जत ना, पर कन्या की खातिर भीतर में। के फायदा किस भक्ति का, के फायदा इस भक्ति जब नहीं आत्मा सा, दो में मरो महाबाप, ओ कन्या मरवाती और नोट तक करता माँ का कन्या जीवन खाकर नंबर दो में कैबिन कर अपना बता दी। जब आवे नवराते घर घर कन्या टोवे, जब आवे नवराते घर घर कन्या टोवे, अपनी तो मार दई गोरा के पर धोवे, अपनी तो मार गई गोरा के पैर धोवे। सात जन्म तक छूटे नहीं, सात जन्म तक छूटे नहीं, कन्या का बड़ा सलाम, डूबे मरो महाबाप, ओ डूबे मरो महाबाप, पूजन का ढोंग कर बेटी न समझ पाओ। आखिर ये भजन सत्संग उसी इंसान को हक है और किसी इंसान को हक नहीं है। नंबर तीन में क्या बता दिया, उनको कोई हक को दिया कीर्तन करवावन का, उनको
कोई हक कोड़ा करवा जो पाप करया बेटा कदा मरवा वड़का जो पाप करया बेटा कदा मरवा वड़का वर सात जन्म तक पड़ भुगतना सात जन्म तक पड़ कन्या का घोर सरा तुम्हें मरो बाबा समझ ओ बेमरो बाबा ओ तू कर दी कि मेरा भारत देश ऐसा महान था कहते तो सोने की चिड़िया कहलाया करता बहुत भारत देश के अंदर बड़े बड़े ऋषि महात्मा धर्म के मार्ग चला करते सभी संतान बहुत बड़ी होया करती धर्म के मार्ग चलने वाली नंबर चार में क्या बता दिया ओ मेरे भारत देश में क्यों हो रहा ईसा जुलम मेरे भारत देश में क्यों हो रहा ईसा जुलम राम धन का कसर आरे क्यों कापी तेरी कलम राम धन का कसर आरे क्यों कापी तेरी कलम गुरु ओम आत्मा तड़प से गुरु ओम आत्मा तड़प का सुन के खराब दो बे मरो बाबा ओ तू बे मरो बाबा देखी पूजन का लोग कर देखी न समझे पार दो बे मरो बाबा ओ तू बे मरो बाबा सजनों।